Okay, so let's start with a quick revision of what we had already done in the previous class. Let's see that. We had talked about that this reading is written by Professor Vijay Joshi, who's teaching at the University of Manchester. And this particular chapter is chapter 2 from his book called India's Long Road: The Search for Prosperity. And the name of the chapter is basically Toward the Horizon. And we had initially talked about the walkthrough of the Indian economy. Now, इस वॉक थ्रू में वी ए टॉक्ट अबाउट द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का पीरियड. एंड अभी तक जो हमारा पूरा डिस्कशन हुआ है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तक का पीरियड का ही हुआ है, बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. सो द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पीरियड बिफोर दिस, बिफोर 1964, ये वाला जो पीरियड था ये नेहरूवियन पीरियड है. दिस इज नेहरूवियन पीरियड, जिसका भी आपका मूविंग एवरेज नहीं डाला हुआ है यहाँ पर, वो नेहरूवियन पीरियड है. एंड ये वाला जो पीरियड है, वी नो दैट इस पूरे पीरियड में इंदिरा गांधी वॉज दी इस पीरियड में यू हैड फोर प्राइम मिनिस्टर्स. सो स्टार्टिंग विद लाल बहादुर शास्त्री, देन यू हैड इंदिरा गांधी टिल दिस पीरियड, एंड देन यू हैड मोरारजी देसाई, एंड देन यू हैड चरण सिंह. सो टिपिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यहाँ तक हम बात करेंगे. एंड देन यू हैव द कमिंग अप ऑफ इंदिरा गांधी. सो ये यहाँ से लेके जो पीरियड है ये इंदिरा गांधी जी का पीरियड है, अगेन हर सेकेंड टेन्योर. देन दिस पीरियड वी विल टॉक अबाउट दिस पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है, यहाँ पर राजीव गांधी वॉज इन द पावर आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर. यू आई मीन कांग्रेस केम विद अ वेरी रिजाउंडिंग पावर और वेरी रिजाउंडिंग नंबर्स इन लोकसभा. आई थिंक अराउंड 400 सीट्स थी उनके पास. एंड दैट वॉज दैट इट इज दैट इज द हाइएस्ट लेवल, दैट इज द हाइएस्ट लेवल एट विच एक्चुअली कांग्रेस वेंट टू. एंड कैन यू गेस गाइज, इस इलेक्शन में बीजेपी के पास कितनी सीट्स थी? So it's completely turning the tables now. Any idea? 1984 के इलेक्शन में बीजेपी के पास कितनी सीट्स थी? 3 सीट्स. देवर यू क्वाइट क्लोज, देवर 2 सीट्स, वन बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड द अदर बाय एल के अडवाणी. सो यहाँ पर यहाँ से सी दी प्रोग्रेस दैट बीजेपी हैज़ डन आफ्टर दिस पीरियड. एंड फ्रॉम 2 सीट्स टू वेयर दे स्टैंड राइट नाउ विद 300+ सीट्स, विद 270+ सीट्स ऑन देयर ओन. तो दैट इज़ द प्रोग्रेस. एंड इफ़ यू सी कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो प्रोग्रेशन है वो यहाँ से उनका प्रोग्रेशन कम ही होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम दैट आई मीन इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस हैज़ और हाउ बीजेपी हैज़ रिजन. ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. वाई? बिकॉज दिस रीडिंग ऑल्सो ड्वेल्स विद पॉलिटिक्स अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स. सो इट डज टॉक अबाउट द रिवाइवल ऑफ दैट द रिवाइवल ऑफ बीजेपी एंड द रिवाइवल ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, स्पेशली स्पेशली आफ्टर 1991. वॉट हैपन्ड आफ्टर 1991? हाउ डिड बीजेपी रिवाइव इट सेल्फ? इंडिया का इतना मेजर, इतना बड़ा पोलिटिकल बेंचमार्क ईयर, वाटरशेड ईयर पॉलिटिक्स में, जितना जितना इकोनॉमिक्स में 1991 है उतना इंडियन पॉलिटिक्स में 1992 है. 6 दिसंबर 1992 गाइस, अयोध्या. एग्जैक्टली, यस. सो गाइस यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज जितना बड़ा आपको 1991 में, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि 1991 इज अ वाटरशेड ईयर वेयर वी टॉक अबाउट प्री 1991 एंड पोस्ट 1991, प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन. इन इन पोलिटिकल डिस्कोर्स आगे जाके, आई एम नॉट श्योर कि कहीं मैंशनड है, बट दिस इज अगेन पर्सनल ओपिनियन, बट इट इज ऑल्सो मैंशन इन द रीडिंग, सो देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग इट. एंड एनी वेज, यू कैन नॉट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कैन नॉट गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सो यहाँ से 1992 से गाइज, यहाँ से आपका जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है. यू हैव द रिवाइवल ऑफ ऑफ
बीजेपी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजिशन. तो एक वाइबल ऑल्टरनेटिव बनना शुरू होता है एंड देन दे स्टार्ट फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि उनका यूपी में रिवाइवल हो जाता है. दे हैड पुट दैट डायनमिक्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो हेयर. तो वहाँ से यू हैव अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस. इससे पहले जो है एक बार क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव कांग्रेस का आया था, वो बस सिर्फ इस पीरियड में आया, बट वो भी कहते हैं जनता पार्टी बींग प्रेडिसेसर ऑफ बीजेपी वो था, एंड वो भी बहुत सारी पार्टी से मिलके था. कोई एक कॉमन फिलॉसफी नहीं थी, देर वर टू मेनी प्लेयर्स, बट यहाँ से उनका एक कॉमन गोल, कॉमन फिलॉसफी बनना शुरू हुआ. वेयर बाय 1996 दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑन देयर ओन, चाहे वो थोड़ा टाइम के लिए थी. फिर उसके बाद 1998 से लेके 2004 तक, तो इन एनी केस दे हैड 2004 तक तो दे एनीवेज हैड देयर गवर्नमेंट. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो एज इकोनॉमिक स्टूडेंट एज वेल, बिकॉज इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड. तो इसके बाद का तो क्लियर हो जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है कि अच्छा बिल्कुल क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है. 2004 2008 यूपीए 1, 2009 2014 यूपीए 2, एंड देन यू 2014 2019 यू हैव एनडीए 1, एंड देन यू हैव एनडीए 2 टिल 2024. तो अब क्लियर कट डिविजन होने शुरू हो गए हैं. बट इससे पहले के बहुत सारे, क्योंकि प्लेयर्स होते थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी. स्पेशली इफ़ यू सी दी इयर्स फ्रॉम 1989 से लेके 1998 तक, ये जो ईयर्स हैं, इन ईयर्स में इंडिया पॉलिटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, बिकॉज टू मेनी प्लेयर्स, टू फ्रिंज प्लेयर्स. Even parties like this thing, what is this, Shibu Soren's party, Jharkhand JMM, Mukti Morcha, jo bhi hai wo, JMM. So Jharkhand Mukti Morcha. Haan, Jharkhand Mukti Morcha. He also became a major player in Indian politics. In fact, that is very well documented and accepted that to be in power, they were bribed, I think, 1 crore or 55 crore rupees. एंड और वो बिल्कुल ऑब्वियस है, मतलब पता है सबको कि इन्होंने पैसे लिए थे. तो मतलब इस पीरियड में जो गवर्नमेंट्स होती थी ना, उनको हम बोलते थे आया राम गया राम. दिस टर्म कॉल्ड आया राम गया राम इन हिंदी. सो दिस इज गिवन टू गवर्नमेंट्स इन दीज पीरियड्स, कि कोई कभी नहीं टिकता था. कभी आई के गुजराल बन रहे हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए बन रहे हैं, कभी देवे गौड़ा बन रहे हैं जिनका किसी ने कभी नाम ही नहीं सुना था. ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी सबके बीच में, पार्टीज के बीच में. तो ये यू शुड नो. सो आज मैंने आपको पॉलिटिकल एक ओवरव्यू दिया है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स चेंज एंड हाउ गवर्नमेंट्स चेंज्ड अक्रॉस इंडिया. द फनी पार्ट गाइज इज दैट देर आर अ कपल ऑफ पीपल जो सिविल्स के लिए ट्रेन करते हैं अपने आप को, बच्चों को कोचिंग में. तो आई वॉज सेइंग कि लॉट ऑफ दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आई नॉट नेम इट, एंड यूट्यूबर्स, दे सी माई वीडियो एंड एग्जैक्टली उसी दिन या उसके अगले दिन दे काइंड ऑफ कॉपी इट. तो वॉट आई डिड एज एन एक्सपेरिमेंट वॉज दैट फॉर अ कपल ऑफ क्लासेस आई वॉज डेलिबरेटली मेकिंग अ कपल ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, इन फिगर्स, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि सेम फिगर कोट हो रही है. तो इट वॉज काइंड ऑफ चेक दैट आई वॉज डूइंग, अच्छा क्या चल रहा है. तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो कॉपी. तो आई टेल यू वॉट आई हैड डन. हाँ, हर जगह स्कैम है. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री गाइज, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री टू मेक मनी. सो एंड एनी वेज देर इज नो गुड, एज आई टोल्ड यू, देर इज नो गुड प्लेस फॉर इकोनॉमिक्स. आई मीन एवरी वन इज वन आफ्टर द अदर, एवरी वन इज बैड. ठीक है, आपको किसी भी राम ज्वाइन कर लो, सारे राम हरे राम, सारे राम ज्वाइन कर लो, सारे खराब हैं इस वक्त. तो आई नो क्या चल रहा है मार्केट में. ठीक है, कोई नहीं, एट टिल द पॉइंट पीपल गेट टू लर्न, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस पीपल कॉपिंग फ्रॉम माय कंटेंट.
So we had also talked about, guys, we had also talked about prosperity, and this is a major issue which will be discussed in this reading in the end, whereby we will talk about कि इंडिया के केस में इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले कुछ टाइम में. एंड देर इज़ अ स्पेसिफिक रीडिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, आई थिंक हिमांशु की रीडिंग, हिमांशु कुमार की रीडिंग है ऑन इनइक्वालिटी. एंड द वे दैट वी आर प्रोग्रेसिंग राइट नाउ, वी आर बिकमिंग एन इवन मोर इनइक्विटस नेशन. एंड इनइक्विटी का कोई आपको वो पता है गाइस मेजर? How do you measure inequity? Development में करा हो या फिर in general, do you know how do you measure inequity? Let me just give you a small brief on this, because you will definitely study on this. Now, there is something called Lorentz curve. मैं आपको अभी इसे बता रहा हूँ guys. ये concept मैं आपको अभी बता रहा हूँ. And you need to remember this, because this will be used multiple times. Guinea index is one. ठीक है, there are multiple ways of first poverty, defining poverty. How do you define poverty, and then how do you define inequality? So I'm giving you a diagrammatic way of how to represent or how to see that how much inequality do you have. One of the methods is called a Lorentz curve, which will give you an index, numerical index, which is called as Gini index. Okay, so let's see this. Although it's not talked about in this particular reading per se, end mein de rakha, but we are going to talk about it because of the discussion mein aa gaya, and you will be talking more about it in the coming lectures as well. So what we have is cumulative share of population. On the x-axis you have cumulative population, and on the right axis you have cumulative income share. So cumulative ka matlab, you remember in statistics we used to have those frequency distributions or cumulative frequency distribution hota tha. For example class hota tha na, 0 to 1, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी कुछ, फ्रीक्वेंसी सपोज से 5 है, फिर उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे. कुछ याद आ रहा है ऐसे कुछ? फर्स्ट का अगर 5 है तो इसका कुछ नहीं होगा, अगर 0 टू 1 टू 2 के अंदर अगर हमारा कुछ 7 है तो ये क्यूमुलेटिव 12 हो जाता था. सो ऐसा हम एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते. तो ये बिल्कुल सेम क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन है और सेम क्यूमुलेटिव क्या कहते हैं इनकम शेयर. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जीरो से लेके कितने लोग होंगे मैक्सिमम, हमारे पॉपुलेशन कितनी है 100. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन शेयर 100% तक होगा. और सिमिलरली इनकम शेयर कितना हो सकता है, वो जीरो से लेके 100 तक हो सकता है, 100% इनकम. तो इस तरीके से हमने ये एक बॉक्स बना दिया जिसका हमारे पास ओवरऑल 100 to 100 इसके दोनों एजेस तक जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद वी सी कि बॉस अगर परफेक्ट इक्वालिटी होगी किसी कंट्री के अंदर. ठीक है, उसके बाद हम पहले तो एक काम करते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं ये लाइन. दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी. ठीक है, इसको हम ग्रीन लाइन को बोलते हैं, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी. और एक रेड लाइन बना देता हूँ मैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, उसको लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं. इसको बोलते हैं लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी. नाउ लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि ये लाइंस क्या हैं, ये लाइंस कैसे आई हैं, और इनका यूज आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कहाँ आएगा, इंडियन इकोनॉमी में भी कहाँ आएगा. ऑल्दो एक ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट में जरूर मिलेगा आपको ये ग्राफ. ठीक है, एंड नाउ व्हाट यू हैव इज सब. मैं अगर कहता हूँ कि कोई एक कंट्री है जो कंप्लीटली इक्विटस है, ठीक है, या अगर मैं चलो मैं कहता हूँ कि आप 5 दोस्तों और एक केक है, तो हम एक केक को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि हर एक बंदे को इक्वल अमाउंट ऑफ स्लाइस गया. तो दैट मींस अगर मैं बोलता हूँ 5 जने हैं, तो एक फर्स्ट सपोज मैं 5 जने यहाँ से पिक कर लेता हूँ, अंशिका है, इशिका है, नवांग है, श्रेया है और वैष्णवी है. ठीक है, तो ये 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5. तो अब ये 5 स्टूडेंट्स को ये केक बटना है. तो अब जब इक्वली बटना है तो क्या होगा,
फर्स्ट अगर अंशिका को ये केक मिला, अगर ये अंशिका है तो उसको कितना केक मिलना चाहिए गाइस? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 5 लोग हैं तो कितना परसेंट केक मिलना चाहिए? 1/5 मिलना चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पर 20% जो होगा वो अंशिका को मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अंकिता रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द पॉपुलेशन एंड शी इज गेटिंग 20% ऑफ द केक। सिमिलरली सपोज नेक्स्ट आई टेक इशिका। अब इशिका को क्या कहते हैं, अगेन शी रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द पॉपुलेशन, सो शी शुड गेट, तो ये 20% हो गया। ये अगर 20% है तो ये नेक्स्ट 20% हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर फिगर ये क्या आएगी, ये 40% की आएगी, ठीक है, क्योंकि 20 अंशिका एंड 20 इशिका। नाउ शी शुड ऑल्सो गेट 20% ऑफ केक, तो दैट मीन्स ये यहाँ का रिप्रेजेंटेशन ये यहाँ जाना चाहिए 40% केक दोनों मिलके। सिमिलरली लास्ट में हमारे पास, हम लास्ट में हमारे पास श्रेया आती है, तो श्रेया का आपका आपका आ गया यहाँ पर 80% तक। श्रेया रिप्रेजेंट्स दिस 20% एंड यहाँ तक 80%। एंड जो लास्ट में बचा इंसान वैष्णवी, तो शी रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर सेट एंड शी शुड गेट द रेस्ट 20%। समझ में आ गया गाइज? ये समझ में आया कि लाइन ऑफ इक्वल, तो बेसिकली इस लाइन को ज्वाइन करोगे आपके पास लाइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा, विच शोज एवरी वन इज गेटिंग एग्जैक्टली वॉट दे रिप्रेजेंट इन दी पॉपुलेशन। सबको समझ में आया? इन 5 को तो समझ में आ गया, बाकी बाकी लोगों को समझ में आया? ठीक है। नाउ नाउ दी थिंग इज, सपोज आई से दैट वैष्णवी आती है और वो कहती है कि नहीं बॉस, मुझे तो 35% केक चाहिए, 30% केक चाहिए। तो दैट मीन्स अब मैं कहना शुरू कर रहा हूं कि लेट मी चेंज दी पेन ना। वैष्णवी कहती है कि सर मुझे तो चाहिए 30% केक। तो दैट मीन्स वाइल शी रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द पॉपुलेशन, शी इज आस्किंग फॉर 30% ऑफ द केक। तो दैट मीन्स मुझे उसको 30% केक देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट वो? क्योंकि यहां तक दैट मीन्स कि जो टॉप 80% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो जो बॉटम 80% पॉपुलेशन है, टॉप नहीं, जो बॉटम 80% पॉपुलेशन है, उसके पास 70% केक है, और वैष्णवी जो 20% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रही है उसके पास 30% केक है। तो अब आपको दिखना शुरू हो गया कि ये एक पॉइंट आना शुरू हो गया। अब आप इस लाइन पे नहीं हो, आप इधर पहुंच गए हो, और अभी तक क्या हुआ, आप ऐसा एक यहाँ पर पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री में और बाकी सारी कंट्रीज में क्या होता है, जो सबसे सबसे पहले जो गरीब लोग हैं 20% 30%, उनके पास जो शेयर ऑफ इनकम होते हैं वो सिर्फ 5% है। टॉप 40% लोगों के पास शेयर जो है सिर्फ 10% है। टॉप 60% लोगों के पास जो शेयर है वो सिर्फ 20% है। और जो टॉप 1% जो लोग हैं, उनके पास 20% इनकम है। तो दैट मींस वो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा लॉरेंस कर्व। दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंस कर्व। सो लॉरेंस कर्व बेसिकली टेल्स यू दैट, इट शोज यू दैट हाउ मच ईच क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज हैविंग अ शेयर इन इनकम इन द कंट्री। तो यहां पर हमने देखा कि 20% लोगों के पास 20% इनकम होने के बजाय उनके पास सिर्फ 5% इनकम है। यहां हम देख रहे हैं कि 40% लोगों के पास 40% इनकम होने के बजाय दे हैव जस्ट 10% इनकम। यहां हम देख रहे हैं कि 80% पॉपुलेशन के पास क्या कहते हैं, 80% इनकम होने के बजाय सिर्फ से 40% इनकम है। और यहां पर मैं 99 के लिए अब खींच रहा हूं गाइस, ये पॉइंट 99 के लिए है। दैट मीन्स शुरू की 99% पॉपुलेशन के पास 80% इनकम है, और जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास 20% इनकम है। यहां तक इफ गाइज अगर आपको समझ में आया तो आई कैन देन गो ऑन टू अनदर कंसेप्ट इन लॉरेंस कर्व। पहले तो यहां तक समझ में आना चाहिए। ये लाइन ऑफ
इक्वालिटी है, ये लाइन ऑफ इनइक्वालिटी है जो दूसरी लाइन थी ना, ये लाइन ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ गाइस, आप लोगों ने एजवर्थ बॉक्स करा है ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेटेड विद अ लिटिल बिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने एजवर्थ बॉक्स किया है, यस। सो ऑल पॉइंट्स ऑन एजवर्थ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व आर एफिशिएंट आर पारेटो एफिशिएंट। कॉन्ट्रैक्ट कर्व पूरा का पूरा पारेटो एफिशिएंट होता है, कराइए ये चीज़ करिए। माई क्वेश्चन टू यू इज, इफ आई गिव एवरीथिंग टू 1% एंड 2% इकोनॉमी, इफ आई गिव एवरीथिंग टू 1% एंड नथिंग टू द सेकेंड पर्सन, इज दैट अ पारेटो एफिशिएंट पॉइंट? नवांग सेज नो। यस गाइस, दैट इज ऑल्सो अ पारेटो एफिशिएंट पॉइंट, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ पारेटो एफिशिएंसी इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी। आपने सब कुछ एक आदमी को भी दे दिया तो भी अब आपको दूसरे आदमी को कुछ देने के लिए एक आदमी से कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड वेन एवर दैट म्यूचुअल म्यूचुअल गेन इज एग्जॉस्टेड, दैट इज अ पारेटो एफिशिएंट पॉइंट, ठीक है। सो कैन यू सी गाइज, इज दैट सिचुएशन समथिंग लाइक दिस पर्टिकुलर पॉइंट? कैन यू इमेजिन, ये जो पॉइंट है, लेट मी मार्क इट आउट, ये जो पॉइंट है, इज इट समथिंग सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? इस पॉइंट पे क्या होगा गाइस? व्हाट इज दिस लाइन एक्चुअली टेलिंग यू? ये पूरी लाइन जो है ये क्या बता रही है? व्हाई आर वी कॉलिंग दिस एज लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी? दिस इज दिस लाइन, ये जो पूरा दो लाइन्स है रेक्टेंगल का, इसको हम लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, लाइन ऑफ परफेक्ट inequality. Why are we calling this as line of perfect inequality? And can you make a relation with the contract curve ka wo edge jo point hai with this? What is happening at this point? And then this, don't worry, I'm going to explain Lorentz curve again. Someone has most of the wealth. You are partially correct. Swasti is actually correct that ek insaan ke paas sab kuch hai. ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग दिस लाइन, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब के पास 0% शेयर है और एक आदमी के पास एंड में सब कुछ है। इट्स लाइक अ डिक्टेटर, रॉबिनसो क्रूसो डिक्टेटर काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, कि एक आदमी के पास सारी वेल्थ है, बाकी सबके पास जीरो है। तो इसीलिए हम इसको लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसको हम लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। लॉरेंस कर्व कम्स बिटवीन दीज टू लाइंस, बिकॉज वहां हमारा जो लॉरेंस कर्व है वो क्या दिखा रहा है? लॉरेंस कर्व दिखा रहा है हमें, वो दिखा रहा है कि टॉप 10% लोगों के पास कितनी इनकम है, टॉप 20% लोगों के पास कितनी इनकम है, टॉप 30% लोगों के पास कितनी है, टॉप 50% लोगों के पास कितनी है, टॉप 90% कितने के पास कितनी है, टॉप 99 के पास। तो ये बता रहा है। तो हम देखते हैं कि हम ये पॉइंट्स ड्रॉ आउट करते हैं कि बस टॉप 10% लोगों के पास तो इनकम जो है वो सिर्फ 2% है। हमने ये 2% की यहाँ से ये फिगर निकाल ली, ठीक है। टॉप 20% देखते हैं तो हमने कहा कि यार इनके पास 5% है। फिर टॉप 30% देखी, हमने कहा यार इनके पास से 8% इनकम है, 10% इनकम है। टॉप 50% के पास बोला, हमने कहा यार इनके पास 20% इनकम है। टॉप 90% ऐसे ही, टॉप 90% बोला हमने इनके पास टॉप 70% इनकम। और फिर टॉप 99 के पास बोला तो इनके पास हमने बोला कि इनके पास 80% इनकम है। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो, you will get this kind of a curve. This curve is called as Lorentz. समझ में आया Lorentz curve का concept? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर cumulative population है x-axis में और यहाँ पर cumulative income है, income share. समझ में आया गाइस? Lorentz curve समझ में आया पक्का? everyone, as you will do this in development, this is often asked in your entrances as well, in your master's entrances. बहुत पूछा जाता है, not in D school, not in ISI, something like JNU.
IGIDR and all the institutes below it, उन सब में ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. नाउ इफ आई गिव यू टू कंपैरेटिव लॉरेंस कर्व्स, ठीक है, मैं आपको दो कंपैरेटिव लॉरेंस, मैं आपको दो कर्व्स बना के दे रहा हूँ. ये कंट्री ए का है, ये इंडिया का है, और ये पाकिस्तान का है. दूसरा देख लो, ये पाकिस्तान का है. किस कंट्री में ज़्यादा इनइक्वालिटी है? किस कंट्री में ज़्यादा इनइक्वालिटी है? कैन यू सी एंड टेल? ऑल ऑफ यू अग्री पाकिस्तान में इनइक्वालिटी ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो टॉप 1% के पास ज़्यादा इनकम है. लोगों जो कम वाले लोग हैं उनके पास एज कम्पेयर टू इंडिया, अगर यहाँ से देखो तो एज कम्पेयर टू इंडिया इतने लोगों के पास पाकिस्तान में इतनी इनकम है और इंडिया में इतनी इनकम है, तो दैट मीन्स पाकिस्तान में इनइक्वालिटी ज़्यादा. What if I change the question? What if I give you another? ये मैंने बनाया इंडिया का एंड ये मैंने बनाया पाकिस्तान का. Now tell me किसके अंदर inequality ज़्यादा है. Can you visually see it and tell? शुरू में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार पाकिस्तान में inequality कम है, बट एंड में देखोगे तो आपको क्या लगेगा पाकिस्तान में inequality ज़्यादा है इस पॉइंट के बाद. Isn't it, guys? नहीं नहीं, एटलीस्ट स्वस्ति विजुअली वी कैन नॉट से, एटलीस्ट विजुअली वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट अंटिल अनलेस वी हैव अ मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉर इट, राइट? सो व्हाट वी डू इज टू क्वांटिफाई दिस वी हैव द कंसेप्ट ऑफ गिनी कोएफिशिएंट. व्हाट वी हैव इज हम इस रीजन को हम बोलते हैं ए. इस रीजन को सपोज हमने बोल दिया ए, ये हमारा रीजन हो गया ए, और ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया बी, ठीक है, ये सारा रीजन जो हो गया इसके नीचे वाला वो बी. नाउ गिनी कोएफिशिएंट इज गिवन बाय ए अपॉन ए प्लस बी. गिनी कोएफिशिएंट इज गिवन बाय ए अपॉन ए प्लस बी. नाउ इफ ए स्टार्ट्स टू इंक्रीज, अगर ए स्टार्ट्स टू इंक्रीज तो पहले तो इसकी लिमिट बताओ गाइस, इसकी लिमिट क्या होगी, इस गिनी कोएफिशिएंट का लिमिट क्या होगा? व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ गिनी कोएफिशिएंट? कहां से कहां तक? 0 to 1 गाइस, 0 to 1 जाएगा ये. जीरो कब होगा? जब ए जीरो हो जाएगा, जब ये परफेक्टली इसके साथ मैच कर जाएगा. इमेजिन कि आप परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी के अंदर हो तो क्या होगा, सॉरी, अगर आप परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी के साथ इफ यू मर्ज देन व्हाट विल हैपन? ये अगर आप ऐसे मर्ज कर जाओगे यहां पर तो क्या होगा, ये ए वाला एरिया जीरो हो गया, ए जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन बी क्या हो जाएगा, जीरो. तो जीरो बीइंग परफेक्ट इक्वालिटी, समझ में आया गाइस, गिनी कोएफिशिएंट अगर जीरो होगा तो परफेक्ट इक्वालिटी होगी. एंड अगर आप इस तरफ मूव कर गए और आप इस वाली लाइन पे आ गए तो क्या हुआ, ए ने बी को पूरा का पूरा सॉल्व अप कर लिया है, दैट मींस बी जीरो हो जाएगा और ए पूरा का पूरा रह जाएगा, तो a अपॉन a 1 हो जाएगा एंड दिस इज बेसिकली परफेक्ट इनइक्वालिटी. तो गिनी कोएफिशिएंट मूव्स फ्रॉम द रेंज ऑफ 0 to 1. इसका एक और मैथमेटिकल तरीका होता है गिनी कोएफिशिएंट निकालने का, अगेन दैट यू विल डू इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. डायग्रामेटिकली आई वांटेड टू शो यू दिस. समझ में आया पक्का भाई? समझ में आया सबको गिनी कोएफिशिएंट? सो गिनी कोएफिशिएंट आप देखते के साथ ही कंट्री में इनइक्वालिटी के बारे में बात कर सकते हो कि कितनी. पिछले कुछ टाइम में जो लास्ट फिगर थी हमारा गिनी कोएफिशिएंट जो था वो 0.36 था, ठीक है, आई विल चेक इट अगेन कि अब कितना है. 0.36 जो है वो था, विच इज मच बेटर देन दैट ऑफ कंट्रीज लाइक US. जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होंगी उसमें ये ज़्यादा होगा कि कम होगा गाइस? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट कंट्रीज,
कैपिटलिस्ट कंट्रीज में दिस विल बी मोर टूवर्ड्स वन, एंड सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर दिस विल बी कंट्री लाइक यू विल सी कंट्री लाइक क्यूबा, कंट्री लाइक समथिंग लाइक कैनेडा, समथिंग लाइक जो आपकी फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे है, इन सबका ये जीरो की तरफ होगा, न्यूजीलैंड जीरो की तरफ होगा. और जितनी ज़्यादा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी उतना ज़्यादा ये वन की तरफ होगा. ठीक है, एंड देर इज वन मोर वे गाइज, अगेन बिकॉज वी आर हैविंग दिस डिस्कशन, लेट मी फिनिश दैट कर्व एज वेल. देर इज समथिंग कॉल्ड एज कुज़्मिट्स इन्वर्टेड यू, ये भी आप पढ़ी लो, ये भी इनइक्वालिटी के ऊपर ही है. ठीक है, कुज़्मिट्स इन्वर्टेड यू, ये इनइक्वालिटी के लिए भी है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी है. आई होप यू आर मेकिंग नोट्स गाइस, बिकॉज ये कई चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं कहीं और पे, बिकॉज देर नो डेफिनेटिव टेक्स्ट ऑन दिस, सो प्लीज मेक गुड नोट्स ऑफ इट. देन यहां पर क्या है, देर इज दिस इन्वर्टेड यू, ऐसे ही बनता है ना इन्वर्टेड यू. यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके होती है जीडीपी विद टाइम, और बेसिकली इसको टाइम, सॉरी जीडीपी लिख दिया मैंने, टाइम लिखो इसको, टाइम फ्रेम. एंड यहां पर होता है गिनी कोएफिशिएंट ले सकते हो या फिर इनइक्वालिटी ले सकते हो. नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज, what Kuznets' hypothesis was that with time in a country inequality will first start to increase, is period mein inequality increase karegi, and after a level, after a particular time, only when inequality has reached a certain level, uske baad aapki inequality girni shuru hogi. This was basically Kuznets' inverted U hypothesis for inequality. कि पहले जैसे हमारे देश में क्या है, पहले इनइक्वालिटी कम थी, बट अब जैसे जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं हमारी इनइक्वालिटी ज़्यादा हो रही है. फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि हमें कंट्रीज को लगा बहुत ज़्यादा इनइक्विटीज कंट्री हो गई, हमें लोगों को वेलफेयर देना चाहिए, हमें लोगों को राइट्स ज़्यादा देने चाहिए, फार्मर्स को ज़्यादा राइट्स देने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इगैलिटेरियन होना चाहिए, मिनिमम राइट्स होने चाहिए. तो उसके बाद फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा और फिर आपकी इनइक्वालिटी कम होगी. ठीक है, एंड दिस इज ऑल विद सब्जेक्ट टू टाइम. ये कुज़्मिट्स का हाइपोथेसिस था. सेम कुज़्मिट्स का हाइपोथेसिस फॉर एनवायरनमेंट भी है. यहां पर टाइम, यहां पर जीडीपी आ जाता है उस केस के अंदर, और यहां पर पोल्यूशन आ जाता है. कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है, जैसे इंडिया ऐसी कंट्री, चाइना ऐसी कंट्री, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रहा है, आपका पोल्यूशन अमाउंट बढ़ रहा है. और उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाते हो, उसके बाद आपको लगता है कि यार इतना हमने प्रोग्रेस कर ली, बट पोल्यू सांस लेने की जगह नहीं है यार देश में. तो उसके बाद फिर यू स्टार्ट टेकिंग दोज मेजर्स टुवर्ड्स डीकार्बनाइजेशन ऑफ द इकॉनमी. तो फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे कम आता है सोलर चीज़ों पे, यहां तक आप कोल पे डिपेंडेंट हो. आज के डेट में हमारा 80% जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, वो कोल बेस्ड हो रहा है. ठीक है, बट आफ्टर पॉइंट वी विल रियलाइज दैट नो बॉस, हम सांस ही नहीं ले पा रहे देश के अंदर, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे क्या. देन यू विल मूव टुवर्ड्स रेन्यूएबल्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो धीरे धीरे आपका पोल्यूशन अमाउंट भी कम होना शुरू हो जाएगा. तो बिकॉज कहीं ना कहीं वो इनइक्वालिटी यहाँ पर रिलेट थी, इसलिए आई थॉट आई विल गिव यू दी कंसेप्ट ऑफ बोथ कुज़्मिट्स इन्वर्टेड इनइक्वालिटी कर्व एज वेल एज कुज़्मिट्स एनवायरनमेंट इन्वर्टेड यू कर्व. समझ में आया गाइस, दोनों Kuznets curve, Lorentz curve, Gini coefficient. Three concepts that we have done. So what we will see, the reason that we did all this, what I wanted to show you was that hamara aaj ki date ke andar, if we see in the last 20-25 odd years, and especially after COVID, this is a special mention guys, abhi aapko reading mein nahi milega, but 5 years down the line when a lot of data is collected on the COVID period, abhi aapko instantaneously nahi milega, but probably 5 to 6 years down the line, jab aap actually mein ho sakta hai masters ke baad jab aap civils ke liye pad rahe ho, tab you will get certain readings which will talk about that what exactly happened during COVID times and how inequality increased suddenly during COVID times. But that is still visible guys, that is still visible in terms of the health expenditure. And if you read, there's an article that I wrote for ORF
which was also quoted in CNBC last week. This is inflation, guys. Let me just show. See, this is inflation, guys. And can you see ki you will understand this in money and banking abhi, that humne, we have something called inflation targeting, jisme hum bolte hain ki hum inflation ko 2% se leke 6% ke beech mein rakhenge, theek hai. But if you see पिछले कुछ टाइम में कोविड के बाद से देखो, ये आपका जनवरी ऑनवर्ड्स जो है, आपका काफ़ी सारा इन्फ्लेशन जो है वो रेड वाले रीजन के अंदर है, एंड देन इट फेल डाउन एंड देन इट्स कमिंग बैक अगेन, ठीक है. तो अगेन 6%, तो हमारा जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे बाहर चला गया, दिख रहा है ना. देखो जून 2021 6.3% इन्फ्लेशन, अपर लिमिट ब्रीच्ड, ठीक है. तो अब हम उसका अगर हम वो देखें कि ये क्यों ब्रीच कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो इफ़ यू सी हमारा जो इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन होता है, उसके उसके बेसिकली ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं और उसके वेट्स भी लिखे हुए हैं. देखो जैसे फ्यूल एंड लाइट, उसका वेटेज जो है 6% है. हाउसिंग है, उसका वेटेज 10% है. क्लोदिंग है, उसका वेटेज 6% है. टोबेको एंड इंटॉक्सिकेंट्स है, उसका वेटेज 2.3% है. बड़े बड़े जो आइटम्स हैं उसमें मिसलेनियस आइटम्स एंड फूड एंड बेवरेजेस हैं. तो फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज जो होता है वो 45% होता है, एंड मिसलेनियस का वेटेज होता है वो 28% होता है. एंड इसके अंदर, इस मिसलेनियस के अंदर दो मेजर आइटम्स आती हैं, विच इज योर हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड योर ट्रांसपोर्ट. एंड कैन यू सी, देखो इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर, कैन यू सी द टॉगल, वो अपने आप चेंज हो रहा है मंथ बाई मंथ. सो इफ़ यू सी दिस, कैन यू सी गाइज, ये आपका पूरा का पूरा रेड में चले जा रहा है, ये पूरा का पूरा रेड में चले जा रहा है. एंड इट इज बिकॉज इंडिया में इस पूरे पीरियड के अंदर आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, और हेल्थ क्योंकि लोगों के पास वो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनको अपने आप ऑक्सीजन सिलेंडर, अपने आप दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं कोविड की वजह से. तो वो जो एक बर्डन पड़ना शुरू हुआ है उसकी वजह से यू सी ऑल ऑफ दिस इन रेड, बेसिकली 6% ब्रीच करा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है. एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि हम ऑयल, हमारा ऑयल एंड वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है. एंड इफ़ यू सी दिस, दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट. तो कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर एक मेजर पोर्शन जो है वो मिसलेनियस आइटम्स एक्सप्लेन, तो हमारा जो इन्फ्लेशन है उसमें 31% जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली इस मिसलेनियस आइटम्स की वजह से हो रहा है. और उसमें मिसलेनियस आइटम्स में हेल्थ एंड योर ट्रांसपोर्ट आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज. इसका जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा, कोविड का जो बहुत ज़्यादा बर्डन है वो पुअर लोगों के ऊपर पड़ रहा है. रिच पीपल कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन, दे कैन अफोर्ड ऑल द हॉस्पिटल्स, बट पुअर पीपल कैन नॉट. सो उसकी वजह से इनक्वालिटी और ज़्यादा हमारी बढ़ गई है. एंड उससे पहले ही हमारा पिछले 5-7 सालों में इनक्वालिटी बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स, स्ट्रक्चरल रीजन्स, बट बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गई है प्रॉब्लम दी लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स. सो डू कीप इट इन माइंड फॉर अ फ्यूचर डिस्कशन. देन वॉट वी हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, ये हमने पूरा पीरियड के बारे में पूरा डिस्कशन, बहुत लेंदी डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है. वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पीरियड एज वेल, लाल बहादुर शास्त्री का एंड जनता पार्टी का. वी टॉक अबाउट कि उन्होंने क्या क्या अप्रोचेस करी थी. वी विल टॉक मोर अबाउट इट इन टूडेज क्लास, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस पीरियड एज वेल. ये वाला पीरियड भी हम बात करेंगे, ये हम कल नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में वी विल डिस्कस दिस पीरियड. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट आर इनिशियल पीरियड, देन जो इनिशियल पीरियड जो है उसके अंदर मेजरली तो दो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हमें ये पता है. बट इस पीरियड के अंदर वी कुड नॉट मेक एनी मेजर डेंट ऑन द पावर्टी रेशियोज. ना पावर्टी रेशियो पे इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपका जो अप्रोच था वो पावर्टी को डायरेक्टली हैंडल करने का नहीं था. यू वर फॉलोइंग व्हाट वाज कॉल्ड एज ट्रिकल डाउन अप्रोच. आप ट्रिकल डाउन अप्रोच पे फोकस कर रहे थे. आप कह रहे थे कि मैं पहले इन्वेस्टमेंट करूंगा और इन्वेस्टमेंट से जीडीपी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ने की वजह से गरीब लोगों को भी फायदा होगा. बट प्रॉब्लम इज कि 1964 के बाद जब आप तक 4% पे जब आप ग्रो कर रहे थे 3.9% पे, सी दिस, हमने ये कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि पहले आप 3.9% पे एटलीस्ट ग्रो कर रहे थे, बट उसके बाद वाला जो पीरियड है उसके अंदर तो आप बहुत ही कम परसेंटेज से ग्रो कर रहे हो. पहले आप 3.9% पे ग्रो कर रहे थे एंड देन यू वर ग्रोइंग एट 2.9%, तो जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो बेसिकली हम एलिगेशन लगाते हैं.
तो अगर आप ग्रो ही बहुत बहुत धीरे से रहे हो एंड इस ये जो आपकी ग्रोथ है उसके पीछे 2% तो पॉपुलेशन की ग्रोथ है इस पीरियड में, तो 2% की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट 3% की, तो बेसिकली आप 1% पर कैपिटा बेसिस पे तो आप 1% से ही ग्रो कर रहे हो, विच इज़ वेरी पुअर टू शिफ्ट पीपल आउट ऑफ पावर्टी। तो अगर आपको पावर्टी से लोगों को बाहर निकालना है तो ये 1% पर कैपिटा ग्रोथ से कुछ नहीं होगा, और इसीलिए हम पावर्टी से लोगों को निकाल नहीं पाए इन दिस एंटायर पीरियड। एंड दिस पीरियड वॉज, ये 1960s का जो पीरियड है, दिस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ अ क्वाइट क्राइसिस, बिकॉज हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू हो गया था। देन दैट इज वाई वी हैड फूड शॉर्टेजेस इन दी अर्ली 60s। फेमाइन जैसा कंडीशन आ गया था, क्योंकि पहले ड्रॉट आया और उसके बाद फेमाइन जैसा कंडीशन आ गया। देन यू हैड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री सेइंग दैट लेट अस ऑल पीपल हु कैन अफोर्ड लेट अस ऑल स्किप द थर्ड मील ऑफ द डे। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सेइंग कि अच्छा आप तीसरा खाना घर का रात का मत खाइए, सो दैट वी कैन फाइट, वी नीड दैट फूड टू फाइट दी एक्सटर्नल एग्रेशन दैट वॉज डन इन टर्म्स ऑफ उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ जो एग्रेशन चल रहा था हमारा। तो एग्रीकल्चर में वी नो दैट देर वॉज अ क्राइसिस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रीकल्चर में वी नो दैट देर वॉज अ क्राइसिस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो गया था। जो हमारा इनिशियल पेस था मैन्युफैक्चरिंग का, जो हमने हाइप बनाया था, वो अब हाइप इट वॉज फेलिंग टू लिव अप टू। सो दीज इंडस्ट्रीज वॉज स्लोइंग डाउन, द इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो स्लो डाउन हो रहा था, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है धीरे धीरे अगेन वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी इकोनॉमी के अंदर। एंड यू हैड अ मेजर डिवैल्यूएशन कमिंग अप इन 1966, तो उसकी वजह से एकदम से आपकी करेंसी डिवैल्यू की गई, तो चीज़ें और महंगी होनी शुरू हो गई एकदम से। तो ये एक एक क्राइसिस का पीरियड चल रहा था। एंड इफ यू सी, ये ग्रोथ रेट्स हमने देख लिए थे ऑलरेडी। लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट 64 to 80। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 64 to 80, अ मेजर कंसर्न हेयर इज गाइस कि इस पीरियड के अंदर हमारा जो इनिफिशियंसी था वो बहुत बढ़ गया था, क्योंकि वी हैड पुट दीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऑन कमांडिंग हाइट्स और उनके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। हमने बेसिकली उठा के बाबूज बना दिए और उनको कहा कि यार बॉस अब आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाओ ऑफिस जाओ, आराम से एसी में बैठो और कुछ काम मत करो, ठीक है। तो हमने इस तरीके का बाबूडम बना दिया था, जिसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म, क्रोनी, नॉट क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोमिन कैपिटलिज्म तो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया। यू कैन प्रॉब्ली कॉल दिस एज रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी ने कभी पढ़ा हो तो उसमें वेबर का जो अप्रोच है बेसिकली वो हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। थिंग्स वर वेरी स्लो टू मूव। नाउ नाउ द क्वेश्चन हियर इज गाइस, हैव यू हर्ड द टर्म कॉल्ड रेड टेप? हैव यू हर्ड द टर्म रेड टेप या रेड टेपिज्म? क्या होता है गाइस ये रेड टेप? क्या होता है? इट्स सीन इन गवर्नमेंट, इट्स सीन और इन एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स सीन एज अ वेरी नेगेटिव टर्म। क्या होता है? व्हाई डू यू कॉल्ड रेड टेपिज्म? वी से दैट पब्लिक सेक्टर में रेड टेपिज्म बहुत है। व्हाई डू वी यूज दिस? पाइलिंग अप फाइल्स अनअकाउंटेड, यू क्लोज टू इट, यू क्लोज टू इट। गाइज, आप किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट में काम करते हैं? आज अपने पेरेंट्स की ना फाइल्स चेक करना। जब आप फाइल चेक करोगे ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा होता है, अर्जेंट लिखा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा होता है, और यहाँ पर एक ना टेप सी लगी होती है जिससे ये फाइल बनती है, और वो रेड कलर की होती है, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज ये फाइल्स जो हैं, पहली बात तो सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कोई सरकारी फाइल जिस पर लिखा हो अनइम्पॉर्टेंट या रेगुलर फाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमेशा सारे काम अगर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा तो दैट मीन्स कोई काम है इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप सबको सारी चीज़ों को बोलोगे कि सब एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो दैट मीन्स इतना थिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये जो फाइल्स होती हैं ये टेप से बंधी होती हैं और उसके आगे धागा लगा हुआ होता है जिससे फाइल को आप बंद करते हो। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेड टेप बिकॉज इसको खोलने के लिए गांधी जी चाहिए होते हैं।
ठीक है, तो कई बार गांधी जी चाहिए होते हैं तो करप्शन हो गया, नहीं तो ये बहुत धीरे धीरे खुलती है क्योंकि एक के बाद ऊपर फाइल अप हो जाती है, तो बहुत स्लोली मूव करती हैं फाइल्स के। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर साथ में गांधी जी लगा दोगे तो ये फाइल भी तेज़ी से मूव करेगी। सो ये बेसिकली रेड टेपिज्म, करप्शन एंड ऑल ऑफ दोज नेगेटिव कॉनोटेशंस आर एसोसिएटेड विद दीज गवर्नमेंट फाइल्स। सो इसीलिए हम उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था एंड बिकॉज देर वॉज मैसिव इनफिशियंसी इन द इकोनॉमी, यू सी दैट द कैपिटल आउटपुट रेशो आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास, अगर कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? कैपिटल आउटपुट रेशो गाइस, कैपिटल आउटपुट रेशो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? बुरा है कि अच्छा है? दिस इज अ बैड थिंग बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस्ड। पहले आपको 3 कैपिटल चाहिए थे एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए, अब आपको 6 कैपिटल ऑलमोस्ट चाहिए एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए। सो विच मीन्स दैट द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हैज गॉन डाउन इन द कंट्री। तो अगेन दैट डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, इन्वेस्टमेंट एज ए GDP शेयर बढ़ा है, बिकॉज उस इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी कम हो गई है इसीलिए आपको GDP ग्रोथ रेट भी कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम रेड टेपिज्म की हमें ICOR से हमें मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पीरियड के अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, बट इस पीरियड के अंदर हमारे पास ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं 2। ठीक है, अगर हम 64 से 80 की बात करें तो 73 में यू हैव ओपेक क्राइसिस 1, 79 में यू हैव ओपेक क्राइसिस 2, एंड देन यू हैव वॉर्स 65 में यू हैड 1 वॉर विद पाकिस्तान एंड 71 में यू हैड अनदर वॉर विद पाकिस्तान। ठीक है, देन यू हैड सीरियस ड्रॉट्स इन दिस पीरियड, यू हैड अ ग्रेट डिवैल्यूएशन इन 1996। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई एंड देन जब इंदिरा गांधी पावर में आई देन शी हैड एन ऑप्शन कि अच्छा ठीक है मैं इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स करती हूँ, एंड शी वॉज लुकिंग फॉर लिबरलाइजेशन एंड लुकिंग फॉर सम मॉनिटरी हेल्प फ्रॉम द US। When that help did not come, she turned herself back against liberalization and went towards populist and socialist character. तो उनका जो शिफ्ट है उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क में वो आफ्टर बींग स्नब्ड बाई US वो तब शुरू हुआ, और यहाँ से फिर उनका रोल शुरू हुआ जब उन्होंने सब कुछ प्राइवेटाइज, जो जो भी चीज़ प्राइवेटाइज हुई थी उसको नेशनलाइज करना शुरू किया। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज किया, उन्होंने कोल को नेशनलाइज किया, कोल कंपनीज एंड कोल माइंस को, उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज किया। तो उन्होंने गवर्नमेंट का जो स्कोप है वो और भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और यू हैड अ कॉन्वोल्यूटेड रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ज़्यादा आपने प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए आपने एक्ट्स लेके आए लाइक MRTP 1967 एंड FERA 1973। MRTP बेसिकली रेगुलेट करता था कि मोनोपलीज को रिस्ट्रिक्ट करना है, मोनोपली नहीं बनने देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में बायजूस एक पूरी मोनोपली बना रहा है। ठीक है, बायजूस ने सब खरीदना शुरू कर दिया, दुनिया में कोई कहीं पे भी कुछ एजुकेट कर रहा है किसी को तो बायजूस कहता है रुक जाओ यार मैं खरीद लेता हूँ तुम्हें। ठीक है, सो बायजूस इज बिकमिंग दैट मोनोपली इन द एडटेक सेक्टर। ठीक है, एंड देयर वाज दिस जोक बाय दिस गाय हु हेड्स अ जूनियर VC अविरल भटनागर, तो हियर इट सेड दैट इन हिज ट्वीट दैट सून बायजूस विल ऑल्सो एक्वायर CBSE। ठीक है, तो द रेट एट विच इट्स गोइंग, इन फैक्ट दिस समथिंग दैट वॉज देयर इन माई माइंड, अभी मैं देखता हूँ उसको करूँगा कि मैं इंडिया का बजट देखना चाह रहा हूँ एजुकेशन का और बायजूस की एक्विजिशन देखना चाह रहा हूँ कि कितना है। And I have a hunch that Baiju's के पास इस वक्त ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है as compared to the Indian government which is spending on education. ठीक है, that will be a good comparison to make. Then, तो this is something that we will, तो ये basically ये ऐसी monopolies को restrict कर रहा था,
then what it was also not just monopolies, it says restrictive trade practices. नाउ इंडिया में गाइज हम इतना रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस पे वो नहीं करते हैं. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. जब आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो उसके अंदर कभी आपने देखा है कई बार फेसबुक प्री इंस्टॉल्ड होता है. कभी देखा कई मोबाइल्स अंदर फेसबुक या कोई एप्स प्री इंस्टॉल्ड है. या फिर टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल, कई बार आपने अगर देखा हो आपने लैपटॉप लिया और उसके अंदर क्रोम जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है. Have you seen this? Now, this is, guys, this is an example. This is a perfect example of restrictive trade practices. इंडिया में हम सीरियस नहीं है, इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीरियस नहीं है, बट यूरोप में ये सारी कंपनीज ने करोड़ों रुपए का फाइन, बिलियंस का फाइन दिया है कि आपने लैपटॉप बेचा एचपी का तो उसके अंदर आपने क्रोम के साथ में कैसे डाल दिया. अगर मैंने क्रोम साथ में ही डाल दिया, दैट मीन्स आई एम प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर कंपनी, आई एम बंडल्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद ए कंपनी एंड आई एम नॉट गिविंग द चॉइस टू द कंज्यूमर टू चूज समथिंग एल्स. सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. सिमिलर, इट्स वेरी सिमिलर टू रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अमेजॉन भी कर रहा है. ठीक है, अमेजॉन क्या कर रहा है गाइज, एंड ये अमेजॉन के ऊपर अब काफी मेजर केस इंडिया में भी शुरू हो गया. अमेजॉन क्या कर रहा है, अगर आप अमेजॉन खोलो तो अब वो उन उन सेलेक्टेड प्लेयर्स, इफ यू सी दी स्टडी, अमेजोन का 80% जो बिजनेस है वो कुछ सेलेक्टिव प्लेयर्स से ही आ रहा है. अराउंड 40-50 सेलर्स हैं, वो 40-50 सेलर्स ही 80% ऑफ बिजनेस जनरेट कर रहे हैं. और ये जो 40-50 सेलर्स हैं, इनका इनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी अमेजोन की ही गई हुई है. ये बेसिकली अमेजोन के ही फ्रंट एंड्स हैं. तो अमेजोन विच वॉज सपोज टू बी अ मार्केट प्लेस इज नाउ बिकम अ मोनोपोली. जहां पर आदमी, नॉर्मल आदमी, अगर मैं सपोज कोई चीज बेचना चाह रहा हूं तो मैं उनके एल्गोरिथम के साथ कंपीट नहीं कर पा रहा. मेरा प्रोडक्ट कब बिकेगा, जब मेरा प्रोडक्ट ऊपर आएगा अमेजोन में खोलता हूं तो लिस्ट में ऊपर आएगा तभी तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा. अगर मेरा प्रोडक्ट नीचे कहीं चौथे पेज पे लाई कर रहा है तो कौन देख रहा है उस प्रोडक्ट को. सो वॉट एम दी एल्गोरिथम, तो यही अब बात हो रही है. और यूएस में तो ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है कि यू नीड टू डिस्क्लोज कि आपका एल्गोरिथम किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है पिक्चर आपको ऑप्शंस को. तो इनका जो एल्गोरिथम है इट्स प्राइम्ड अप टू शो पीपल हु पे स्पॉन्सर्ड और पीपल और कंपनीज विच आर ओन्ड बाय अमेजॉन. दैट ऑल्सो हैपन्स विद बिग बास्केट. आप आज बिग बास्केट पे जाना, बिग बास्केट पे कोई भी चीज टाइप करना, यू विल सी अ प्रोडक्ट विच इज मेड बाय बिग बास्केट. रादर देन सपोज अगर आप दाल खरीदनी है तो आपको टाटा की दाल बाद में मिलेगी, बिग बास्केट की दाल पहले मिल जाएगी. ना टू माई माइंड दैट इज अ, इफ यू आर वर्किंग एज अ मार्केट प्लेस, टू माई माइंड दैट इज अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. इफ यू आर ऑपरेटिंग एज अ मार्केट प्लेस, अ मार्केट प्लेस इज वॉट, वेयर यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी. हेयर यू डू नॉट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, यू डू नॉट हैव इक्वल बार्गेनिंग पावर. तो उसको हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं. समझ में आया गाइस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो. इंडिया में टू चेक दिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यू हैव अ कमीशन कॉल्ड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. इट वॉज इनैक्टेड इन 2002 बट इट केम इन टू पावर बिकॉज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग केस. इट केम इन टू पावर इन 2009. बट इसका जो अभी काम करने का तरीका, वो सिर्फ 3-4 सालों में बढ़ा है. उससे पहले डोरमेंट सा पड़ा हुआ था ये. एंड जो व्हाट्सएप का इशू पूरा चल रहा है और ये जो एड्स का पूरा इशू चल रहा है, ये अब सब कुछ, ये जो फेसबुक का, ये जो इसका चल रहा है, अमेजोन का और ये जितनी कंपनीज का, ये सारा सीसीआई देख रहा है. एंड बट हिस्टोरिकली ये हमारे लिए बहुत नया है, बट इफ़ यू सी यूएस की, यूएस का कॉम्पिटिशन एक्ट, तो यूएस का कॉम्पिटिशन एक्ट 1890 का है. तो इसीलिए वो लोग बहुत स्ट्रांग है, उनके रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड दे फाइन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन कंपनीज इफ दे फाइंड आउट, स्पेशली यूरोपियन यूरोपियन यूनियन, इफ दे फाइंड आउट कि यू हैव प्रैक्टिस एनी थिंग विच इज अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन. तो हम कॉम्पिटिशन को प्रमोट करते हैं. नाउ तो यहाँ पर हमने हमने यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हमने हमने तो बिल्कुल हमने उनके इस तरीके से हमने मेजर्स बना दिए. दैट लीव अबाउट दैट, आप बेसिकली यू आर सफोकेटिंग द एंटरप्रेन्योर्स. यू हैड पुट योर फीट ऑन द नेक ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर्स
rather than helping them grow, you had put a foot on the throat of those entrepreneurs and tried to basically squeeze the air out of them. और इसीलिए इस पीरियड के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मिलता ही नहीं है, इसीलिए इंडिया बिकेम कम्प्लीटली इम्पोर्ट, हम इम्पोर्ट करे जा रहे हैं, हर चीज़ इम्पोर्ट करे जा रहे हैं. और दूसरा जो चीज़ करा आपने, फेरा लिया है, एंड फेरा लाने के बाद यू हैड दिस फॉरन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, जिसमें आप कहते थे कि आप कितना फॉरन एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, कितना फॉरन एक्सचेंज अपने पास रख सकते हो. इफ यू हैड मोर, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ मच ऑफ डॉलर्स यू हैव, तो आपको जेल हो सकती है. तो आपने अमाउंट किस यूज के लिए फॉरन एक्सचेंज डॉलर्स रखोगे, कैसे रखोगे, कितना अमाउंट रख सकते हो, ये सारा भी आपने रेगुलेट करना शुरू कर दिया. इसलिए उसको बोलते थे फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन. एंड दीज बिकम क्रिमिनल एक्ट, इसमें ये कि जो ये जो था सिविल एक्ट नहीं था, क्रिमिनल एक्ट था, आपको जेल होती थी अगर आपने ज्यादा रखा हुआ. ठीक है, सिविल ऑफेंस के लिए आपको जेल हो रही है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एक कॉन्वोल्यूशन सेंस में रेगुलेट करना शुरू कर दिया. इनफिशियंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड निगलेक्टेड एरियाज जो थे वो तो इन केस थे ही, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर आपको निगलेक्ट करना शुरू हुआ. एंड बिकॉज यू आर नॉट ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड वर नॉट एबल टू गेन मच आउट ऑफ इट, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू गेन मच आउट ऑफ इट देर विल बी वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट. ठीक है, सो ये इस पीरियड के अंदर आपका ज़्यादा डिसकंटेंट रहता है लोगों का अगेंस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट यू. सो इफ यू सी दी '70s, सो '70s में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मूवीज. यू हैड एवरी 10 years यू कैन एक्चुअली सी अ बॉलीवुड मूवी ऑल्सो, कि अच्छा ये अब इस एरा के एक्टर्स हैं, तो ये बेसिकली शोज की नेक्स्ट 20 years में कौन से एक्टर्स रहते हैं, एंड साइमल्टेनियसली ये कौन से पोलिटिकल एक्टर्स हमारे उसमें रहते हैं. सो इंदिरा गांधी इन 1966-67, इंदिरा गांधी इन 76, मुरारजी देसाई इन 77-79, एंड चरण सिंह फ्रॉम 79-80. We've already talked about this, guys, in detail. कि अच्छा हमारा large devaluation करा हमने large devaluation करा 1966 में, because US ने बोला एंड IMF ने बोला. ठीक है, BOP crisis की वजह से. बट हमने जब ये devaluation किया था तो we had a tacit understanding with US. इंदिरा गांधी had a tacit understanding with US कि बॉस आप उसके बाद foreign aid दोगे हमें, हम devaluation, हम market की तरफ हम अपने आप को जा रहे हैं, devalue कर रहे हैं, तो आप हमें वो करोगे, फॉरेन एड दोगे. अब बिकॉज ये फॉरेन एड नहीं है, इसीलिए इंदिरा गांधी बैक ट्रैक टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन एंड शी मूव टूवर्ड्स अ पॉपुलिस्ट सोशलिस्ट डिसीजन. देन यू हैड टू ड्रॉट्स, बैक टू बैक ड्रॉट्स, 1972-1974. वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट वॉर्स एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द 73 ओपेक एंड दी 71 वॉर. फेरा के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एंड देन वेन इलेक्शंस वर देयर, तो उस टाइम पे अलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया जिसके अंदर इंदिरा गांधी वॉज बेसिकली प्रोसिक्यूटेड बाय अ जज एंड सेड दैट शी इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज शी वॉज अबाउट टू लूज पावर, बिकॉज ऑफ दिस शी इम्पोज इमरजेंसी इन 1975, एंड वो इमरजेंसी 1977 तक रही थी. सो 75-77 यू हैव द डार्क डेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वेर यू हैड नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, बहुत अथॉरिटेटिव चीज़ें आई. अ लॉट ऑफ दिस करंट एरा ऑफ बीजेपी लीडर्स वर इन जेल इन दिस पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, क्लैम्प डाउन ऑन प्रेस, क्लैम्प डाउन ऑन जुडिशरी, तो टिपिकल ऑटोक्रेसी टाइप हम बन गए इस पीरियड में, बिकॉज ऑफ दिस नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देन योर इंडिविजुअल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो सस्पेंड हो गए थे. एंड देन वेन री इलेक्शन, वेन इमरजेंसी स्टॉप्ड एंड वेन रेवोकेटेड, एंड देन यू हैड द न्यू इलेक्शन कमिंग अप. सो कांग्रेस आई वॉज कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज पीपल वर वेरी फेड अप ऑफ कांग्रेस.
because of the kind of policies that had followed between 75 and 77. So people were fed up of Congress, and you had a new coalition coming on to the screen, on the scene, which is Janata Party. Janata Party in these years was basically a kaleidoscope of different leaders. Okay, JP Narayan was basically, first of all, the heading, the main inspiration. But apart from that, when you talk about the people at the helm, it was initially by Morarji Desai from 1977 to 79. But, aur uske baad 79 to 80 mein Charan Singh the. But because fringe players se milke ye government bani thi. And whenever you have too many players without a common ideology, तो ultimately वो फिर कोई ना कोई support अपना छीन लेगा, ठीक है, कोई ना कोई किसी का कोई support नहीं कर रहा, किसी का कोई support नहीं कर रहा, तो you do not have that, वो जो जैसे महागठबंधन की बात हो रही थी हमारे elections में before in 2019, तो when you have too many players with too far away from each other in terms of political spectrum, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती। तो जब 1979 में जब ओपेक का क्राइसिस आया, दूसरा ओपेक का शॉक आया, और जब ऑयल प्राइसेस डबल हो गए, तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए जनता पार्टी गवर्नमेंट में, एंड पीपल देन स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार एंड व्हेन इन्फ्लेशन हिट्स गाइस, इन्फ्लेशन इज समथिंग दैट इम्पैक्ट्स एवरीवन, और पुअर को डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन आप कंट्रोल में नहीं कर पाए तो आप जरूर इलेक्शन हारोगे, आपने बाकी कुछ भी कर लिया उससे कुछ पहले वाले सालों में, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप इन्फ्लेशन ऑफ कॉमन आइटम्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो द पीपल विल कम हैवीली ऑन यू। दैट इज व्हाट द इंडियन एक्सपीरियंस इज, एंड दिस एक्सपीरियंस हैज बीन फेस्ड बाय बीजेपी फॉर कपल ऑफ टाइम्स। एक बार यहाँ पर ये जो ये भी बेसिकली प्रीकर्सर हो बीजेपी ही है, एंड उसके बाद 2004 इलेक्शन, despite the fact that Atal Bihari Vajpayee's government was one of the best, if not the best government that India had, the only reason that, or perhaps one of the most important reasons why that government lost power was just before elections, the prices of onions increased. So onion ka price bahut zyada increase ho gaya tha, aur uski wajah se ek popular dissatisfaction ho gaya tha country ke andar, aur uski wajah se they lost seats. बट ऐसा नहीं कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट्स मिली थी उस टाइम पे, आई थिंक कांग्रेस हैड समवेयर अराउंड 140 सीट्स ओनली, तो वो भी कोई बहुत बड़ी उनका वो नहीं था। एज आई टोल्ड यू कि कांग्रेस का 1984 के बाद से सिर्फ डिक्लाइन ही चल रहा है, ठीक है, सिर्फ डिक्लाइन ही चल रहा है, एंड हम बोलते हैं कि यू हैड 100 एंड यू केम टू पावर इन 2004, बट 2004 के अंदर भी उनके पास 140 सीट्स के अराउंड ही थे, and in Indian Parliament you need 272 seats to form a majority government. तो ये उस टाइम पर भी लेफ्ट गवर्नमेंट ने और बाकी सारी पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया था टू कम टू पावर। देन उसके बाद once we see this inflation जो है इस पीरियड में हमने देखा कि inflation OPEC की वजह से OPEC 2.0 की वजह से इंक्रीज हुआ, ये जो coalition था ये split up कर गया। And when elections were held in 1980, Indira Gandhi came to power and she had made a very very resounding promise ki ab hum we will directly deal with poverty rather than indirectly dealing with poverty. So actually mein early 1970s mein she had coined this term garibi hatao, but actually the implementation garibi hatao ka hona shuru hua wo is period ke baad se hona shuru hua. So if we talk about the problems, तो प्रॉब्लम्स क्या थी 1964 से 1980 के बीच में, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स वर मेनी फोल्ड। हमने वाइट एलिफेंट्स के बारे में बात कर ली, हमने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर ली, यू हैड इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यू हैड एन एजेंसी प्रॉब्लम। हैव यू हर्ड दिस प्रॉब्लम गाइज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। What this is basically, अगर आपके employees को, अगर आप employees को कोई भी benefit नहीं दोगे, if an employee is not motivated towards the growth of the company, तो वो employee अपने हिसाब से ही चलेगा। अगर उसके अंदर कुछ ऐसा clause नहीं होगा कि उसको आप carrot and stick policy नहीं दोगे,
कि अगर आप अच्छा अचीव करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप खराब अचीव करोगे तो आपको लॉस होगा। तो अगर फिक्स सैलरीज ही मिलेंगी, जैसे जैसे सरकार सरकार में क्या होता है, वो लीव एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग। डू यू फाइंड अ वेरियंस इन टीचिंग अक्रॉस डिफरेंट टीचर्स? डू यू फील दैट देर इज अ सिग्निफिकेंट वेरियंस इन टीचिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस टीचर्स इन कॉलेज? ऑल ऑफ यू अग्री गाइज, देर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस? एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो था, आई कैन से के एम सी में बता सकता था कि अच्छा यार ये टीचर पढ़ा लेता है, ये टीचर नहीं पढ़ाता, ये टीचर का समझ नहीं आता। ये वेरियंस आपने फील करा है अक्रॉस अक्रॉस योर जीएस, अक्रॉस योर इकोनॉमिक स्टूडेंट। नाउ डू यू थिंक दैट देर आर डिफरेंट सैलरीज? डू यू थिंक दैट पीपल एट सेम लेवल वुड हैव डिफरेंट सैलरीज? डिस्पाइट द फैक्ट दैट देर इज वेरियंस इन टीचिंग, देर इज नो डिफरेंट सैलरी, सबकी सेम सैलरी। दैट एग्जैक्टली इज एन एजेंसी प्रॉब्लम। देर इज नो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव टू परफॉर्म। वेन यू हैव, तो जो प्रिंसिपल एजेंट है, ठीक है, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या द हेड जो एजुकेशन का जो प्रिंसिपल जो हायर कर रहा है उनका, एंड जो एजेंट है उनके जो इन उनके जो डायरेक्शंस हैं, उनके जो मोटिवेशंस हैं, वो अलाइंड ही नहीं है, ठीक है। द एजेंट इज नॉट अलाइंड टू डू व्हाट द प्रिंसिपल वांट्स, एंड इसमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल कॉलेज की नहीं, प्रिंसिपल इन जनरल, द हायरर जो ओनर है वो अलाइंड नहीं। दैट इज कॉल्ड एज अ एजेंसी प्रॉब्लम। तो यहां पर एजेंसी प्रॉब्लम है। ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम लॉस बनाए प्रॉफिट बनाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरी सैलरी सेम है बॉस, मैं एक सॉफ्ट बजट पे, इसको बोलते हैं सॉफ्ट बजट पे काम करना, मैं एक सॉफ्ट बजट पे काम करता हूँ। मुझे लॉस मिलने होगा तो मुझे सरकार पैसा दे देगी, सॉफ्ट बजट। व्हाई डू यू थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीए इतना ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एनपीए कम है? क्योंकि ये सॉफ्ट बजट पे काम करते हैं, इनको पता है कि मैं लॉस बनाऊंगा सरकार मुझे रिकैपिटलाइज कर देगी। पिछले 7 सालों में 8 ट्रिलियन रुपीज का इन्होंने लॉस राइट ऑफ्स किए हैं। लास्ट 7 to 8 ईयर्स राइट ऑफ्स हैव बीन अराउंड 8 ट्रिलियन रुपीज, 8 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये पैसा कहाँ से आया, ये जो नुकसान हुआ ये हमारी जेबों से आया जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने वापस री इन्फ्यूज़ करा इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पैसा, क्यों? क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता, इनकी तो सैलरी सेम है। एंड आई हैव बीन इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन एज अ पब्लिक सेक्टर बैंकर कि माई सैलरी रिमेन्स द सेम, हाउ हाउ डू आई वरी? वेयर एज इफ इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ही विल से, वो ओनर कहेगा कि बॉस आप लॉस कैसे बना रहे हो? द मोमेंट आई फाइंड अ डिविजन मेकिंग अ लॉट ऑफ लॉस, आई फायर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो दैट इज वेयर द एजेंसी प्रॉब्लम कम्स इन टू प्ले। सो इफ़ यू टॉक अबाउट, वेन यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, तो पब्लिक सेक्टर इनफिशेंसी इन फैक्टर्स की वजह से एक्सटेंड हुआ था। एक्सटर्नल रीजन्स भी थे, वॉर्स, ड्रॉट्स, करप्शन, करप्शन खैर एक्सोजेनस कैसे, चलो इंटरनल में आ जाएगा, ऑयल क्राइसिस एंड देन इन्फ्लेशन, ये सारे फैक्टर्स भी थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन फैक्टर्स विच यू कुड हैव टेकन, विच यू कुड हैव प्रमोटेड, यू डिड नॉट डायरेक्टली अटैक पुअर हेल्थ, पुअर एजुकेशन सेक्टर, ये आपने नहीं किया। जो ईस्ट ईस्ट एशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ईस्ट एशियन रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं आया। ये लोगों को लगता है कि यार वो 80s 90s में ईस्ट एशियन रेवोल्यूशन आ गए, उसको 80s 90s में आने के लिए 60s 70s में उन्होंने बैठ के एजुकेशन और हेल्थ में पैसा लगाया, इसीलिए वो 80s और 90s में आके वो अच्छे हुए हैं। उन्होंने पहले बेस बनाया, उन्होंने पहले हेल्थ और एजुकेशन का ध्यान रखा है लोगों का, फिर उसके बाद वो ग्रो करें। सो दिस इज समथिंग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स के अंदर, पावर्टी के पैरामीटर्स में कुछ कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इनफैक्ट पावर्टी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 210 मिलियन पीपल, 21 करोड़ पीपल इन 1950, वी मूव्ड ऑन टू 330 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़ पीपल इन पावर्टी। सो नथिंग हैड मूव्ड इन दिस पीरियड। सो ये जो पूरा पीरियड है
it these are the dark days in terms of major economic parameters that India. Then we move on to the 80s. Okay. 80s के पीरियड में इनिशियली एज आई टोल्ड यू इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली इंदिरा गांधी केम टू पावर एंड जब इंदिरा गांधी पावर में आए तो उनका थोड़ा सा तो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच था क्योंकि ऑलरेडी पहली बार वो जिंदगी में अपना इलेक्शन हार के वापस री इलेक्ट हुई हैं। दूसरा उस एरा के अंदर अब पब्लिक सेक्टर जो बाबूज थे उनको पता चल गया कि बॉस इकॉनमी ऐसे नहीं चल सकती, हमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ कुछ रिफॉर्म करने शुरू करे, पीस मील रिफॉर्म्स एंड एडहॉक रिफॉर्म्स शुरू किए, पीस मील एडहॉक रिफॉर्म्स, इनको रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ भी बोलते हैं। तो रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ, स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, यूजली द टर्म स्टेल्थ इज यूज इन डिफेंस इंडस्ट्री, स्टेल्थ फाइटर्स बोलते हैं। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है गाइस, अरे हाइडिंग, इन हाइडिंग बेसिकली, ठीक है। डिफेंस इंडस्ट्री में इसलिए होता है क्योंकि कई ड्रोन्स को, कई मिसाइल्स को, कई प्लेन्स को आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बनाते हो। आपने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि प्लेन जा रहा है और फिर प्लेन गायब हो जाता है, या फिर वो एलियन वाली जो मूवीज होती हैं उसमें क्या होता है, वो एकदम से वो ऐसा मूव कर रहा होता है फिर एकदम से वो गायब हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वेयर इट कैन नॉट बी पिक्ड अप बाय रेडार्स, ठीक है। तो वो उसको उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो एब्जॉर्प्टिव, हाँ मिस्टर इंडिया हम लोग स्टेल्थ प्लेन्स तो बना नहीं पाए, हमने मिस्टर इंडिया जरूर बनाया। सो देर आर स्पेशल काइंड ऑफ पेंट्स एंड स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल which basically absorbs the radiation or the signals by radars. तो basically क्या होता है, अगर जैसे ये plane है, ये मान लो ये plane है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आपका radar होता है जो signal भेजता है, ठीक है, signal भेजता है और इस signal को reflect back करके जब ये radar तक आता है तो आपको पता चलता है कि ये plane आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक तरीके का coat लगाते हो कि ये जब सिग्नल गया तो ये इसको एब्जॉर्ब ही कर ले, कुछ रिफ्लेक्ट बैक ना करे, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पीरियड, तो आपने जो रिफॉर्म्स किए थे वो स्टेल्थ रिफॉर्म्स किए थे, हिडन रिफॉर्म्स, क्योंकि यू कैन नॉट फेस टू फेस गो एंड फेस मिसेज इंदिरा गांधी एंड से नहीं आप गलत हो। Imagine a bureaucrat going to Mr. Modi and saying कि no boss, जो आप कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। And that's why you find people who were independent will resign from his government. For example, Raghuram Rajan did not last. For example, Arvind Subramaniam did not last. Because typically they will voice their opinion. And that's perhaps one of the problems of this government, because it's not in cooperating people who have different point of views. The only person they seem to tolerate in terms of having a different opinion is Subramaniam Swamy, jinki koi baat sunta hi nahi, although he's also very comic at times, his preposterous claims at times, but still in terms of economic knowledge, he's perhaps in this governance he's the most who knows the most. तो आप उनकी भी नहीं सुन रहे हो, मतलब उनको भी किसी अपने अपने किसी डिसीजन मेकिंग में नहीं डाला हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है व्हेन यू हैव ऑल यस मैन, जिसको हम बोलते हैं। तो यस मैन फिनोमेना जो है वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जब जब भी स्ट्रांग लीडर आएगा तो आपको बहुत सारे यस मैन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब उनके बीच में कुछ लोगों ने कहा कि यार हमें रिफॉर्म्स करने हैं, तो रिफॉर्म्स हमें छुप छुपा के करने पड़ेंगे। तो उसके बाद उनको बोलते हैं हम रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ। देन And we will talk about this term and we will talk about Arvind Panagiya's reading next week perhaps. We will go through that reading. Yes, ma'am, iske baare mein baat karenge. And then you had these ad hoc and piecemeal. Aapne pure Big Bang reforms nahi kare. Aapne dheere 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 karke reforms kare. Especially Rajiv Gandhi ke time mein.
आपने पूरी की पूरी मार्केट में रिफॉर्म नहीं किया, आपने पहले क्या किया, आपने MRTP को रिलैक्स कर दिया, थोड़ा सा उसकी लिमिट्स इंक्रीज कर दी, उसको रिलैक्स कर दिया, तो आप उस एक्ट को हटा नहीं रहे हो, आप धीरे धीरे करके चेंजेस लेके आ रहे हो, तो उनको हम एडॉक एंड पीस मील रिफॉर्म बोलते हैं। आपने बाहर से आइटम्स इंपोर्ट करने का सोचा, अपने अपने आप को ओपन करने का सोचा, एक्सपोर्ट करने का सोचा, तो आपने धीरे धीरे ये आइटम्स खोलनी शुरू करी, सो दोज आर कॉल्ड पीस मील एंड एडॉक रिफॉर्म्स, एंड योर मेजर रिफॉर्म्स वर प्रो बिजनेस रिफॉर्म्स रादर देन प्रो मार्केट रिफॉर्म्स। तो आप मार्केट में सबको ओपन नहीं कर रहे थे, आप पर्टिकुलर बिजनेस कम्युनिटीज को, बिजनेस हाउसेज को आप फायदा पहुंचा रहे थे, that is basically called as pro business reforms rather than pro market reforms. And at the same point of time, while the growth rate in this period was high, this growth rate was being fueled by a very high level of fiscal deficit. आपका fiscal deficit जो था especially mid 80s के बाद से balloon करना शुरू कर दिया, एंड दिस फिस्कल डेफिसिट बलून कर रहा, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है, बट उसके लिए आप बोरोइंग कर रहे हो, एंड वो बोरोइंग सस्टेनेबल नहीं हो पा रही है, तो आप वाइल ग्रो कर रहे हो बट दैट ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल। इसीलिए व्हेन यू हैड 1989 में जब आपका एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग भी कट होना शुरू हो जाता है थ्रू USSR, एंड वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है, एंड वेन यू हैव द गल्फ वॉर वन, जब आपका ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, योर करंट अकाउंट इज इन अ ह्यूज स्टेट ऑफ मेस, आपको ऑयल इम्पोर्ट करना, आपके पास पैसा नहीं पड़ा, और आप फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हायर इन कर रहे हो, आप बाहर से भी बहुत ज़्यादा बोरो कर रहे हो, वॉट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, बाहर से ज़्यादा आपका इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स बाहर से बोरोइंग हो रही है, फिस्कल डेफिसिट डोमेस्टिक बोरोइंग आप कर रहे हो, आप हर जगह से बोरो ही कर रहे हो, तो आप डिफॉल्ट की पोजीशन पे आ गए, एंड यू हैड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोल्ड टू कवर ओनली 3 weeks ऑफ इम्पोर्ट। एट दैट मोमेंट यू वेंट टू IMF इन 1991 एंड यू सेड दैट बॉस बेल अस आउट ऑफ दिस BOP प्रॉब्लम, बिकॉज दैट्स द मैंडेट ऑफ IMF, वन ऑफ द मैंडेट्स ऑफ IMF इज टू बेल आउट कंट्रीज हु आर इन BOP क्राइसिस। द IMF देन सेड दैट ओके, I am willing to help you only if you conform to what is called as Washington Consensus. We will talk more about what Washington Consensus is. There are set of rules. जो आपकी reading में नहीं मिलेगा, but I will give you an illustrative list because this is something which you will require while studying for development economics and for competitive exams. So I'll provide that list to you. They are called as all brain no heart policies. तो वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू इलस्ट्रेटिव लिस्ट कि आपको क्या रिफॉर्म्स करने हैं, एंड देन इंडिया इंप्लीमेंटेड दोज रिफॉर्म्स थ्रू द LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1991। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 1980 to 1991। वील टॉक मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल फिनिश अप tomorrow's class, we'll finish up this particular period as well. So tomorrow will be your last class for this reading. And then Friday, we perhaps will start another, we'll start Rakesh.